नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके बीच में आया हूँ जनरल स्टडी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बताता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है। ठीक है, ये एलाइड मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है। तो कौन सा है, मुदो, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का अंतिम गांव है जो चीन की सीमा पर स्थित है, कौन सा है, सुमुदो। दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है कि विक्रम संवत के अनुसार श्रीखंड महादेव यात्रा आमतौर पर किस दिन शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो श्रीखंड महादेव की यात्रा होती है किस जिले में लगती है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के तहसील निरमंड में लगती है और कब से लगती है, 20 आषाढ़ से। कब लगती है, 20 आषाढ़ से शुरू होती है। ठीक है, तो ये हमारे कहां पर लगती है, तहसील निरमंड और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगती है। ठीक है, संध्या देवी मंदिर कुल्लू जिले के किस स्थान पर है। ठीक है, तो संध्या देवी जो मंदिर है कुल्लू जिले के किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, जगत सुख। कहां पर है, जगत सुख। जगत सुख जो पहले पाल वंशीय थे उनकी राजधानी भी पहली कहां थी, जगत सुख में थी। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि म्यार हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, म्यार हिमनद कहां पर है, लाहौल स्पीति में, जिसे म्यार नदी को जो पानी मिलता है लाहौल, जिसे किसको पानी मिलता है, जो म्यार खड्डे वहां पर उसको पानी मिलता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बताता है कि पादरी दर्रा, पडारी या पादरी दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, पडारी दर्रा किस किस दो स्थानों को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश की, एक तो जो आपका चंबा जिला, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। पडारी दर्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ता है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बताता है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बताता है कि बंगाल रियासत पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था। ठीक है, ये भी पाल वंशीय थे तो कौन थे इसके, मानपाल। इस सारे 2016 में मेंस के एग्जाम में पूछे गए, एलाइड में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जुलाई 1939 को किसने धामी रियासत प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो धामी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1939 को हुई थी, 13 जुलाई 1939 को हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, भागमल सोटा ने, भागमल सोटा। ठीक है, तो जिस कारण से आपके 16 जुलाई 1939 को जो आपका धामी गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो 13 जुलाई 1939 को प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिन कारण से वहां का जो शासक था दलीप सिंह, उसने घबरा कर 16 जुलाई 1939 को लोगों पर गोली चलाई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताता है कि शोंगटंग कड़छम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, जो शोंगटंग कड़छम विद्युत परियोजना है कहां पर, वांगतू में बनाई गई है, वांगतू में बनाई गई है, और किस नदी पर बनी बनाई गई है, सतलुज नदी पर। ठीक है, इसे चार फेजों में डिवाइड किया गया है, हर फेज 200 200 मेगावाट का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताता है, हिमाचल प्रदेश में मनाली के निकट स्थित हडिम्बा देवी मंदिर किस शैली से बना हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो मनाली में हडिम्बा देवी का मंदिर है, हडिम्बा आपको पता है कि जो भीम की पत्नी थी हडिम्बा, उनका एक पुत्र था घटोत्कच, तो उनके जितने भी मंदिर है सारे कहाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली स्थान पर, मनाली तहसील में स्थित है। तो जो हडिम्बा देवी मंदिर है कहाँ पर है, मनाली में ढूंगरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, ढूंगरी जगह पर स्थित है, और किस शैली से बना है, पैगोड़ा शैली। किस शैली से बना हुआ है, पैगोड़ा शैली से निर्मित है। ठीक है, जो आपकी पैगोड़ा शैली थी ये कहां से आई थी, जो पैगोड़ा शैली थी ये हमारे नेपाल से आई हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, ये इंडियन लेवल पे क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था, बंबई में हुआ था। ठीक है, गोकुलनंद संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और कहां पर हुआ था ये, बंबई में हुआ था, गोकुलनंद संस्कृत कॉलेज में। कब हुआ था ये पहला अधिवेशन, 28 दिसंबर 1885 को। इसकी जो स्थापना रखी थी, संस्थापक माने जाते एओ ह्यूम माने जाते। एओ ह्यूम कहां से थे, स्कॉटिश थे, ब्रिटेन से आए थे, और इनका जो हिमाचल प्रदेश से भी संबंध है, जो हमारा झाकू हिल जाती है आज की डेट में, यहां पर इनका घर था, घर का नाम था रोहतनी केसर। धन्यवाद।